हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली स्टैटिक एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम आज अपने डिस्कशन में कला संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट पर विचार करेंगे। ये कला संस्कृति पर हमारा दूसरा डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, महेश मूर्ति की प्रसिद्ध छवि कहाँ देखी जा सकती है। चार गुफाओं के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि महेश मूर्ति की जो छवि है वो इनमें से किस गुफा में स्थित है। आपके दिए गए ऑप्शन में एलोरा की गुफा, एलिफेंटा गुफा, औरंगाबाद की गुफा और बाघ की गुफा दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें महेश मूर्ति जो कि भगवान शिव का एक रूप है, इसे यदि आपको देखना है तो आपको एलिफेंटा की गुफा जाना होगा जो कि मुंबई के पास एक द्वीप में स्थित है। ये मुख्य रूप से देखने में कुछ इस प्रकार से है, ये पश्चिमी दक्कन परंपरा का अनुसरण करते हुए निर्मित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से तीन रूपों को प्रदर्शित किया गया है, महेश जो कि शांति के रूप में आपको देखे जा सकते हैं, उसके ठीक इस हिस्से में आप देख सकते हैं ये गुस्से का प्रतीक है, भैरव के रूप में इसे प्रदर्शित किया गया है, जबकि इस हिस्से में जो रूप दिखाया गया है वो उमा का है। उमा भगवान शिव को स्त्री के करीब दिखाने के लिए इस रूप को माना जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे कि ये कहाँ देखा जा सकता है। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, चौखंडी स्तूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, किसी एक ऑप्शन को भी आपको चुनना है। हम एक एक कथन को देखते हैं कि वो सही है या फिर गलत है, या फिर इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसे हम आपको बताते जाएंगे, आप उनको याद रखने की कोशिश करेंगे। पहला कथन है, चौखंडी स्तूप सारनाथ में एक बौद्ध स्तूप है। बिल्कुल सही है, क्योंकि चौखंडी स्तूप को आप सारनाथ में ही देख सकते हैं। तो सबसे पहले अभी यदि आपको पूछा जाए कि चौखंडी स्तूप कहाँ है तो आप याद रखेंगे ये सारनाथ में है। अगला कहता है, चौखंडी स्तूप को माना जाता है कि मूल रूप से गुप्त काल के दौरान एक सीढ़ीदार मंदिर के रूप में बनाया गया था। ये भी जानकारी बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लें, गुप्त काल के दौरान चौखंडी स्तूप को बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में जो आज प्रेजेंट है वो गुप्त काल में निर्मित चौखंडी स्तूप नहीं है। इसे टोडरमल का पुत्र गोवर्धन के द्वारा कुछ परिवर्तित करवाया गया था और वर्तमान में जो ये देखने में है वो गोवर्धन के द्वारा निर्मित की गई आकृति के रूप में है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। तीसरा कथन कहता है, इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। ये भी जानकारी सही है, जून 2019 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व के एक स्मारक के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इसकी देखरेख और संरक्षण करने की जिम्मेदारी अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हो जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि तीनों की तीनों जानकारियाँ बिल्कुल सही हैं। यदि हम बात करें इस स्तूप का, तो ये भगवान बुद्ध के अवशेषों के ऊपर निर्मित करवाया गया एक मंदिर नुमा आकृति है, जिसे मुख्य रूप से भगवान बुद्ध के जितने भी शिष्य हैं या फिर जो अनुयायी हैं उनके द्वारा अपनी बोधगया और सारनाथ की यात्रा के दौरान यहाँ आया जाता है, यहाँ पर वो आते हैं। वर्तमान में जो इसका रूप है वो राजा टोडरमल का जो पुत्र था गोवर्धन, उसके द्वारा हुमायूं के शासनकाल में जो निर्मित करवाया गया था वो वर्तमान में अभी देखने को मिलता है। ये एक अष्टकोणीय मीनार के रूप में है, आप इसे देख सकते हैं। ये मुख्य रूप से चौथी से छठी शताब्दी के बीच में सबसे पहली बार गुप्त काल में बनवाया गया था। ये देखने में वर्तमान का जो है वो कुछ इस प्रकार से है, इसे आप देख सकते हैं। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना एलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, जो इसके पहले महानिदेशक बने।
बिल्कुल सही है। 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। ये बिल्कुल सही जानकारी है, आप इस जानकारी को याद रखें। दूसरा कथन कहता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों का प्रशासन करता है। ये जानकारी भी आप याद रख लें, बिल्कुल सही जानकारी है। जब भारत आज़ाद हो जाता है उसके बाद भारत के जितने भी सांस्कृतिक विरासत के स्थल थे, पुरातात्विक धरोहर थे, उनको संरक्षण करने के लिए एक अधिनियम का रूप दिया जाता है और उस अधिनियम के माध्यम से उन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों, राष्ट्र महत्व के अवशेषों को संरक्षित करने की कोशिश की जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जानकारी बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारत में लगभग 3,650 ऐसे स्थल हैं जिनको संरक्षण करने का दायित्व आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया गया है। ये स्थल पुरातात्विक अनुसंधान से संबंधित स्थल हो सकते हैं, सांस्कृतिक स्मारक के रूप में हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो, इनको संरक्षण करने का दायित्व आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है, तो इसे आप ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन कला के रूपों को दर्शाने वाली वाले कांस्य निर्मित कला के रूप पाए गए हैं। आपको तीन ऐसे स्थलों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि जैन कला का रूप इनमें से कहां पाया गया था। अकोटा, चौसा और हांसी। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें जैन कला का रूप, तो ये कांस्य रूप में जैन धर्म के जो अनुयायी हुआ करते थे, चाहे वो महावीर थे या फिर पार्श्वनाथ थे, जो कोई भी थे, उन लोगों की मूर्तियों को बनाने का चलन हिंदू धर्म से पहले से ही, हिंदू धर्म में तो गुप्त काल में मूर्ति कला का रूप आता है, लेकिन उससे पहले ही जैन धर्म में मूर्ति को स्थापित किए जाने की परंपरा थी। मूर्तियों को निर्मित किए जाते थे और उनको पूजा किया जाता था, हालांकि उनको मंदिरों में स्थापित नहीं किया जाता था, क्योंकि अभी तक ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो जैन कला से संबंधित जो कांस्य मूर्तियां मिली हैं वो अकोटा, चौसा और हांसी, इन सारे जगहों पर मिली हैं। यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। वर्तमान में इन रूपों को कुछ इस प्रकार के हैं, आप देख सकते हैं, ये अलग अलग संग्रहालयों में रखे हुए हैं, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो या फिर बिहार हो, हरियाणा हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, भारत के अलग अलग संग्रहालयों में इनको रखा गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के स्रोत हैं, ये कांसे के बने हुए हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, तो आप इसे देख सकते हैं, इन सारी जानकारियों को आप याद रखेंगे। ये जो आकृति बनाई गई है वो ऐसा माना जाता है कि 5वीं से लेकर 7वीं शताब्दी के आसपास में इनको निर्मित किया गया था, जो वर्तमान में उपलब्ध है। हमारे डिस्कशन का पांचवा प्रश्न क्या कहता है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सैतांत्रिक संप्रदाय का संबंध है। यहां पर आपको चार धर्मों के नाम दिए गए हैं, जैन, सिख, हिंदू और बौद्ध। आपको बताना है कि सैतांत्रिक संप्रदाय इनमें से किससे जुड़ा हुआ है। आप यदि ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे तांत्रिक जुड़ा हुआ है तो वो हिंदू से होगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि सैतांत्रिक जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म मुख्य रूप से भगवान बुद्ध को दो रूपों में मानता है, एक महान पुरुष और दूसरा भगवान के रूप में। भगवान के रूप में जो मानता है उसको हम लोग महायान कहते हैं, और महान पुरुष के रूप में जो मानता है उसको हम लोग हीनयान कहते हैं। तो जो भगवान बुद्ध थे उनको महायान के द्वारा पूजा किए जाने से के बीच में जो संक्रमणकालीन दौर था, उसी दौर को बौद्ध काल के उसी दौर को सैतांत्रिक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। यानी कि भगवान बुद्ध के द्वारा भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध के अनुयायियों के द्वारा भगवान बुद्ध को महायान के रूप में जब पूजा किया जाना शुरू किया गया, उसके बीच का जो संक्रमणकालीन दौर था उसे ही सैतांत्रिक संप्रदाय के रूप में माना जाता है। आप याद रखेंगे ये भगवान बुद्ध
मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित ऐसे संप्रदायों के बारे में यूपीएससी ने लगातार 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप ध्यान रखेंगे जितने भी संप्रदाय हैं उनके बारे में आप करके जाएंगे। ये जो आकृति को पूजा किया जाता था वो यही है, क्योंकि ये पूजा महायान से संबंधित है। बाद में सैतांत्रिक जो संप्रदाय था वो महायान के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। भगवान बुद्ध को जिस तरह से हिंदुओं में पूजा किया जाता है उसी प्रकार से वो पूजा पाठ करने लगते हैं, और उनके द्वारा ही इस प्रकार की मूर्ति का निर्माण करवाया गया था। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, बृहदेश्वर मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, सही कथन की पहचान करनी है। किसके बारे में? बृहदेश्वर मंदिर के बारे में। पहला कथन कहता है यह एक हिंदू मंदिर है, बिल्कुल सही है। यह कृष्णा नदी के तट पर है, यह गलत है, क्योंकि बृहदेश्वर मंदिर कावेरी नदी के तट पर है, न कि कृष्णा नदी के तट पर। पहला गलत हो जाता है। दूसरा कथन क्या कहता है, इसे दक्षिणा मेरू यानी कि दक्षिण का मेरू, मेरू मतलब रीढ़ की हड्डी, तो इसे दक्षिणा मेरू कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ये बृहदेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो दक्षिण भारत में जो कला का रूप है उसका एक आधार के रूप में कार्य करता है, मेरुदंडू के रूप में कार्य करता है, यही वजह है कि इसे दक्षिणा मेरू के रूप में जाना जाता है। दूसरा बिल्कुल सही है। अगला कहता है यह पूरी तरह से द्रविड़ वास्तुकला और चोल मंदिर का हिस्सा है, ये भी जानकारी सही है। आप याद रख लीजिए बृहदेश्वर मंदिर जो है वो द्रविड़ वास्तुकला का अनुसरण करते हुए निर्मित करवाया गया है, चोल राजाओं के द्वारा निर्मित करवाया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पहला कथन गलत है, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। ये देखने में कुछ इस प्रकार की आकृति रखती है, आप इसे देख सकते हैं। इसको चोल राजा राजा चोल वन के द्वारा 985 CE से लेकर 1015 CE के बीच में निर्मित करवाया गया था। ये कावेरी नदी के तट पर है, द्राविड़ वास्तुकला का अनुकरण करके इसका निर्माण करवाया गया है। इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। 3 मंदिर हैं, एक तो बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा है गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर और तीसरा है एरावतेश्वर मंदिर। इन 3 मंदिरों को मिलाकर ग्रेट लिविंग चोल मंदिर के रूप में जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है इस मंदिर को, जो बृहदेश्वर मंदिर है उस मंदिर को मुख्य रूप से चोल राजा राजा चोल वन के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन बाद में पांड्य शासकों, विजयनगर शासक के राजाओं और मराठाओं के द्वारा भी यहाँ पर कुछ निर्माण का कार्य करवाया गया है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आप याद रखें, क्योंकि ऐसा पूछा जाता है कि इसको किसने निर्मित करवाया और यहाँ पर इस संप्रदाय या फिर इस राजा से भी जुड़े हुए हैं, तो इन राजवंशों से जुड़े हुए कुछ निर्मित आकृतियां भी हैं, तो आपको ये कंफ्यूज कर सकता है, तो आप याद रखेंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, जो बृहदेश्वर मंदिर है पूरी दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जो पूर्ण रूप से ग्रेनाइट से निर्मित करवाया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी बृहदेश्वर मंदिर के बारे में, आप याद रखेंगे। ये सामने से देखने में कुछ इस प्रकार सी है, इसे आप देख सकते हैं। हमारे डिस्कशन का 7वां प्रश्न क्या कहता है, त्यौहार और राज्य से जुड़े सही मिलान करें। आपको एक तरफ त्योहारों के नाम दिए गए हैं उसके ठीक समकक्ष राज्यों का नाम दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही रूप से मेल खाता है। नुआखाई मतलब एक तरफ का ऐसा उत्सव है जहां पर लोग धान को काटने के बाद पहली बार अपने घरों पर लेकर आते हैं और जो पहला खाना बनाते हैं, जो धान काट कर लाते हैं उसके बाद में घर लेकर आते हैं, पहला खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद में उसको पहली बार भगवान को चढ़ाया जाता है और भगवान उसके बाद में उसी में से कुछ हिस्से को पूरे परिवार के लोग खाते हैं। मुख्य रूप से जो चावल का होता है उसको खीर के रूप में बनाकर खाया जाता है, ये ओडिशा में होता है। यानी कि पहला कहाँ हो जाएगा, मतलब ओडिशा, ए का सी, या तो ए होगा या तो डी होगा।
दो आपने इलिमिनेट कर दिया। जो कुटपुई, ये बिल्कुल सही है, ये मिजोरम में है, मिजोरम में मनाया जाता है। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसको वहाँ की संस्कृति, मतलब राज्य सरकार के द्वारा अपने मिजोरम वासी जितने भी हैं पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं उन लोगों को अपने देश में आकर्षित करने के लिए, यूनाइट रखने के लिए इस त्यौहार का उपयोग किया जाता है। जो कुटपई, आप इसको, इसके बारे में यही याद रखेंगे कि मिजोरम की सरकार के द्वारा मिजोरम के वासियों को एकजुट रखने के लिए, चाहे वो विश्व के किसी भी हिस्से में हो, जो कुटपई त्यौहार का यूज़ किया जाता है या फिर मनाया जाता है। यानी कि दूसरा का बी बिल्कुल सही है, यानी कि आप आंसर तक पहुंच गए, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में आप जाने तो ये नागालैंड में है। हम लोगों ने अभी हॉर्नबिल पक्षी के बारे में अपने पिछले डिस्कशन में देखा था, आप उसे निश्चित रूप से देखें ताकि आपके नॉलेज बढ़े और यदि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि पहला यानी कि नुआखाई ये जो है वो ओडिशा से संबंधित है, जो कुटपई ये मिजोरम से संबंधित है, और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड से संबंधित है। तो इसे आप याद रखेंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, मणिपुर संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन जानकारियां दी गई हैं, आपको उनमें से सही जानकारी की पहचान करनी है। किसके बारे में, मणिपुरी संकीर्तन के बारे में। पहला कथन कहता है यह एक गीत और नृत्य प्रदर्शन है। फ्रेंड्स, ये संकीर्तन के बारे में बता रहा है, मैंने बहुत किया है। ये गीत और नृत्य, मतलब जो लोग संकीर्तन का प्रदर्शन करते हैं वो लोग गाना भी गाता है और नृत्य भी करता है। मतलब भगवान विष्णु से संबंधित जो संप्रदाय हैं उनके, चाहे राम चाहे कृष्ण की मूर्ति को बीच में रखा जाता है, एक मंडप होता है और मंडप के चारों ओर लोग हरे राम हरे कृष्ण करके चक्कर लगाते हैं। तो यही है संकीर्तन, और ये नृत्य और गीत दोनों से जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्या कहता है, ये भगवान कृष्ण के जीवन और कार्यों को बताने के लिए किया जाता है। ये भी जानकारी सही है, मुख्य रूप से वैष्णव धर्म से संबंधित है, जुड़ा हुआ है, विष्णु से जुड़ा हुआ है। ये दूसरा जानकारी बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। अगला कहता है संकीर्तन में मणिपुर के शैव लोगों के जीवन में धार्मिक अवसरों और विभिन्न चरणों को चित्रित करने के लिए की गई कला की एक सारणी है। फ्रेंड्स देखिए, ये जानकारी देखिए, मैंने अभी अभी बताया कि कृष्ण से संबंधित है, और कृष्ण जो से संबंधित है वो शैव नहीं थे। कृष्ण को जो लोग मानते हैं वो लोग वैष्णव होते हैं, तो यहाँ पे शैव बता रहा है, ये इसलिए गलत हो जाता है। यहाँ पर जो जानकारी लिखी गई है वो सही है, लेकिन ये शैव यहाँ जो शब्द लिख दिया ना, इसकी वजह से तीसरा गलत हो जाता है। तो आप याद रखेंगे, मणिपुरी संकीर्तन जो है उसमें गीत गाया जाता है, नृत्य किया जाता है, विष्णु संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, ये आप याद रखेंगे। कृष्ण और राम से जुड़े हुए जो कलाकृतियां हैं, जो गाने हैं, उनको गाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो आप इसे याद रखें, ये इस प्रकार के कुछ प्रदर्शन किए जाते हैं जब स्टार्टिंग में ये कला का रूप, ये संस्कृति का रूप जब विकसित हो रहा था, उस टाइम पे लोग एक गांव से दूसरे गांव घूम घूम कर जाते थे और जाकर संकीर्तन का प्रदर्शन करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि लोग अपने अपने गांव में ये करते हैं, एक मंडप बनाते हैं, बीच में कृष्ण या फिर राम के जुड़े हुए आकृतियों को रखते हैं, उसके चारों ओर कीर्तन करते हैं। इंद्र को खुश करने के लिए भी ये किया जाता है, उसके जो कलाकार होते हैं उनके बीच में कुछ अनुष्ठानिक ढोल नाच प्रदर्शन या फिर इस प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया जाता है। तो इनको आप याद रखें, ये वर्तमान में कहाँ है, तो मणिपुर में है, तो आप जान रहे हैं। संकीर्तन को मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो यूनेस्को के द्वारा मेंटेन की जाती है उसमें शामिल किया गया है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। हमारे डिस्कशन का 9वां प्रश्न क्या कहता है, बथुकमा त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। चार राज्यों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि बथुकमा उत्सव या फिर त्यौहार जो है वो इनमें से कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना। तो फ्रेंड्स आप याद रख लें, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश
यहां पर मनाया जाता है। बथुकमा एक ऐसा उत्सव है जहां पर जो जो भारत में जिस समय दुर्गा पूजा का दौर चलता है अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो उस टाइम पर क्या किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की महिलाएं हैं वे एक फूलों का सेज बनाती हैं, वो देखने में कुछ इस प्रकार की होती है, आप देख सकते हैं, और इसको पूजा किया जाता है। इनके चारों ओर देखिए, ये तो एक बड़ा आकृति था, ये छोटे छोटे आकृति भी बनाए जाते हैं और उसके चारों ओर घूम घूम कर महिलाएं अपना सांस्कृतिक अनुष्ठानों को पूरा करती हैं। भारत में जितनी भी त्योहारें हैं वो ज्यादातर महिलाओं के द्वारा ही संपन्न कराई जाती हैं, की जाती हैं, तो ये आप याद रखेंगे। ये मुख्य रूप से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन दोनों राज्यों में मनाया जाता है और दुर्गा पूजा नवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है। बथुकमा का मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है, इसका मतलब है कि मातृ देवी जिंदा आओ, मतलब जिंदा ही आप वापस आ जाओ, ऐसा माना जाता है, ऐसा किया जाता है। काफ़ी अच्छा उत्सव है, इतनी सारी संस्कृतियां हैं, विविधताएं हैं हमारे खुद के भारत में, अच्छा लगता है इतना सारा कुछ है। आपको भी मौका मिले तो भारत दर्शन के लिए जरूर जाएं। हमारे डिस्कशन का अंतिम प्रश्न क्या कहता है, एलिफेंटा की गुफाओं में मुख्य रूप से शामिल है। हमने पहला प्रश्न जो देखा था वो भी देखा था महेश मूर्ति के बारे में, एलिफेंटा की गुफा से संबंधित, तो ये भी प्रश्न आपको उसी से जुड़ा हुआ है। कहता है कि एलिफेंटा की गुफाओं में मुख्य रूप से शामिल है, क्या देखने को आपको मिलेगा, वहां पर किसकी मूर्तियां बनाई गई हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित, ब्राह्मणवादी धर्म से संबंधित या फिर आजीवक संप्रदाय से संबंधित। तो आप याद कर लीजिए, जो एलिफेंटा की गुफा है, जो एलिफेंटा एक जगह का ही नाम है और वो एक द्वीप पर है, मुंबई के पास है, मैं आपको मैप के माध्यम से भी दिखाऊंगा, वहां पर मुख्य रूप से ब्राह्मणवादी छवियों को उकेरा गया है, एक पहाड़ पर इसे उकेरा गया है। आप एक एक करके देखें, सबसे पहले आप ये देखिए, ये मुंबई है, वो भी एक द्वीप पर ही है, मुंबई जो है वो एक द्वीप पर ही है और ये नवी मुंबई है और यहाँ पर एक छोटा सा जो द्वीप देख रहे हैं आप, यही एलोरा की मंदिर है, तो इसे आप याद रखें, एलोरा नहीं यार, एलिफेंटा की गुफा है, ये कंफ्यूज कर रहा था मैं, एलिफेंटा की गुफा है, वहीं पर निर्मित करवाया गया है। आप देख सकते हैं गुफा बाहर से देखने में कुछ ऐसी है, जब इसके अंदर आप जाएंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। मंदिर को लगभग 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच पत्थर को काटकर बनाया गया है, ये जो गुफा है उसके अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, उसको पत्थर को काटकर बनाया गया है और इसे, मतलब जो ये जो आकृति है एलिफेंटा की गुफा, इसे सिटी ऑफ केव कहा जाता है और इसे सिटी ऑफ केव कहा जाता है, ये मुंबई के बिल्कुल सही करीब में है। यहाँ पर जो आकृतियाँ निर्मित की गई हैं वो कैलाश पर शिव और पार्वती का जो आकृति है उसे दिखाने की कोशिश की गई है, वैसे ही कैलाश को उठाते हुए रावण की मूर्ति भी निर्मित कराई गई है। उसी प्रकार से कुछ अन्य महत्वपूर्ण आकृतियाँ हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे, जैसे त्रिमूर्ति, गंगा धारा या फिर अर्धनारेश्वर की मूर्ति इत्यादि का निर्माण करवाया गया है। तो इन महत्वपूर्ण जानकारियों को आप याद रखें। हम आज के अपने डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।